मुस्लिम लीग नून का मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकजई से बातचीत जारी रखने का फैसला। इजलास में पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम लाकर इंतखाबात रवा साल करवाने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं और ना ही ऐसी किसी टीम का हिस्सा हूँ। सहाफी के सवाल पर जवाब। बहरा अरब में बनने वाला समंदरी तूफान कराची से दूर, रुख बलूचिस्तान की जानिब हो गया। ओमान में बरसने का इम्कान, कराची में मूसलाधार बारिशों का इम्कान खत्म, हल्की बारिशें मुतवक्के। सिंध में भी बारिशों के बाद सूरत हाल अबतर, दादू की गाच नदी में सैलाब से 20 देहात डूब गए। वाई पांडी, गोरख हिल स्टेशन और काची में भी सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान के इलाके बुलाम में मुसाफिर वैन सैलाबी रैले में फंस गई। यारो काजवे पर ट्रक पानी में जा गिरा। मच से कोलपुर तक N65 शाहरा मुख्तलिफ मकामात से बह गई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, गुज़िश्ता 2 माह में 88 अमवात और 129 जख्मी, 260 मकानात तबाह, PDMA की रिपोर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके भी मुसलसल बारिशों की जद में, सैलाबी रैला गुजरात से भिम्बड़ नाले का बंद बहा कर ले गया। नारोवाली में सड़क भी सैलाबी रैले में बह गई। डाकू इस्लामाबाद से शहरी को अगवा करके कच्चे में ले गए। थाना शालीमार के हदूद से अगवा शहरी की वीडियो अहले खाना को इरसाल, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। साहिवाल में पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया, कई लीटर पेट्रोल सड़क पर बह गया। रेस्क्यू टीमों ने रोड बंद करके टैंकर में मौजूद ऑयल दूसरे टैंकर में मुंतकिल कर दिया। और रावलपिंडी के दूसरे टेस्ट में 189 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। साइम अयूब 58, कप्तान शान मसूद 57 रन बनाकर आउट।